मैंने ना बहुत सारी कुल्फियाँ बनाई हैं, बट ये कुल्फी सबसे ज़्यादा टेस्टी, रिच और देखने में भी सबसे ज़्यादा सुंदर है। चलो आज बनाते हैं ठंडई फ्लेवर की कुल्फी। ठंडई का जो पेस्ट है वो हम तैयार करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्तों को ना उबाल के छील के ले लिया। उसके बाद तरबूज का बीज लिया है, ये मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ, काली मिर्च और सौंफ लिए। अच्छा, सारी क्वांटिटी तो आप देख ही पा रहे हो, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ले सकते हो। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर और केसर दूध लिया है, और उसके बाद खसखस पोस्ता का दाना और काजू लिया है। अच्छा, ठंडाई पेस्ट में ना काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती ही हैं, तो आप एक बार ट्राई करना जब समय हो आपके पास। और उसके बाद इसमें गरम दूध डाल देंगे और सारी चीज़ों को 10-15 मिनट भीगे रहने देंगे, और उसके बाद ना मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ्रेश ठंडई का पेस्ट है ये, आप चाहो तो इससे ठंडई भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और सारे इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं जो ठंडई में यूज़ होते हैं ट्रेडिशनली। अगर आपके पास एक दो इंग्रेडिएंट ना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट कोशिश करना सारे हों तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो मैंने 1 लीटर ना दूध ले लिया है। अब इसे क्या करेंगे, पका लेंगे जब तक कि थोड़ा सा आधा नहीं हो जाता, मतलब रिड्यूस नहीं हो जाता। ये देखो आधा रिड्यूस हो गया ना। इसमें मैं 1 कप के करीबन खोया डाल रही हूँ, आप चाहो तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीबन ठंडई पेस्ट डाला है, और इसमें मैं 1 कप चीनी भी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मतलब जितना भी आप मीठा खाते हो ना उस हिसाब से। अब इसे पका लेंगे वापस से जब तक एकदम थिक नहीं हो जाता मिक्सचर। अच्छा, इसे ना एकदम थिक कर देना इस तरीके से, ताकि ना कोई भी क्रिस्टल वगैरह ना जमे जब भी हम कुल्फ़ी बनाएं। क्या होता है ना, बहुत से लोग घर पे कुल्फी बनाते हैं तो उनके क्रिस्टल आने लगते हैं, आइस क्रिस्टल्स, वैसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे तो मेरे पास मोल्ड है, बट मैं बिना मोल्ड के भी आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं इसमें थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ और कटे हुए पिस्ते डाल रही हूँ, जिससे काफ़ी सुंदर लगने लगता है। और इसके बाद एक आइसक्रीम स्टिक्स लगा दिए मैंने, और जो हमने ठंडई का मिक्सचर तैयार किया था ना कुल्फी का, वो हम डाल देंगे इसमें। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसे किसे कुल्फी खाना पसंद है। मेरे घर में ना मम्मी पापा सबको बहुत पसंद है। अब देखो ये तो मैंने ऐसे बना लिया, इसे ना क्लिंग रैप कर लेना, ताकि बिल्कुल भी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि आइस क्रिस्टल से ऐसा कुछ आए, एकदम मार्केट जैसी कुल्फी बने। और अगर आपके पास नहीं है ना कुल्फी मोल्ड, तो ऐसे ही आप किसी टिन में ले लो इसे, और उसके बाद से अच्छी तरीके से कवर करके और फिर जमा लो। ऐसे भी कुल्फी बहुत यम बनती है, मतलब मैं पहले जब मेरे पास मोल्ड नहीं था ना, तो मैं ऐसे ही बनाती थी इसी डिब्बों में। ये देखो 8 घंटे हो गए हैं, आप चाहो तो पूरा ओवरनाइट भी इसे जमा सकते हो, और कुल्फी बन के तैयार है। बहुत ही परफेक्ट क्रीमी और डिलिशियस कुल्फी बनी है। घर पे सबने खाया और इतनी तारीफ़ करी, मतलब मम्मी पापा भैया दीदी सबको बहुत पसंद आई है। आप एक बार ट्राई करो, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करो।